बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको सीलिया माइनिंग ऐप के KYC 2 के बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ पे सीलिया माइनिंग ऐप पे जल्द ही इनकी KYC जो 2 है वो यहाँ पे शुरू होने वाली है। यहाँ पे KYC 2 आप किस तरीके से करेंगे और यहाँ पे जो सीलिया से रिलेटेड जितनी भी न्यू अपडेट्स हैं वो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। सीलिया टोकन जो है एक एक्सचेंज का टोकन है, ठीक है। यहाँ पे इसकी माइनिंग जो है वो तकरीबन 6 से 7 मंथ से इसकी माइनिंग चल रही है और यहाँ पे जल्दी इसका विड्रॉ जो है वो यहाँ पे मिलने वाला है। सीलिया के अगर हम ऑफिशियल ट्विटर के अकाउंट पे जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीलिया का जो लॉन्च है वो यहाँ पे 5 स्टेजेस के अंदर इसका लॉन्च होगा। सबसे पहले यहाँ पे ऐप अपडेट, उसके बाद एयर ड्रॉप 3, यहाँ पे KYC 2 जो है वो जल्दी स्टार्ट होने वाली है। अगस्त के अंदर इनका ICO होगा, इनिशियल टोकन ऑफरिंग या इस किस्म का इनका एक ITO होगा। और यहाँ पे सितंबर में जाके जो है यहाँ पे सीलिया टोकन का यहाँ पे लॉन्च होगा, ठीक है। यहाँ पे इनकी वेस्टिंग का प्लान भी आ चुका है कि यहाँ पे टोकन की वेस्टिंग होगी, कि यहाँ पे आपको प्लान दिया जाएगा कि कब आपको कितने टोकन दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीलिया टोकन में आप कुछ टोकन जो है वो लॉक होंगे, कुछ टोकन आप स्टैकिंग पे लगाएंगे। इससे ये होगा कि सीलिया टोकन की जो प्राइस है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छी होने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीलिया टोकन KYC 2 की जो यहाँ पे अपडेट आ चुकी है, ठीक है, कि यहाँ पे जल्दी KYC 2 यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है। लेकिन KYC 2 को कम्प्लीट करने के लिए आपने अपनी KYC 1 को यहाँ पे कम्प्लीट करना है। KYC 1 को आपने किस तरीके से कम्प्लीट करना है, ठीक है, वो आज की इस वीडियो में डिटेल से बताऊँगा। KYC 1 के बारे में ऑलरेडी मैंने अपने YouTube चैनल पे डिटेल वीडियो अपलोड की हुई है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। यहां पे सीलिया टोकन के विड्रॉ कर लेने के लिए आपने KYC 1 और KYC 2 दोनों जो है KYC को कंप्लीट करने हैं, तभी यहां पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन या विड्रॉ दिया जाएगा। सीलिया टोकन की जैसे हम ऐप को ओपन करेंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से सीलिया टोकन की माइनिंग होती है। यहां पे जो है डिफरेंट कार्ड्स देख सकते हैं कि आपका टोटल बैलेंस कितना है, उसके बाद एयर ड्रॉप से आपको यहां पे कितने मिले हैं, उसके बाद माइनिंग से आपको कितने मिले हैं, यहां पे स्टीक से आपको कितने मिले हैं, ठीक है। यहां पे आप तमाम डिटेल जो है वो यहां पे देख सकते हैं। उसके बाद कुछ इस तरीके से यहां पे आप देख सकते हैं कि ये चीज शो कर रही है कि यहां पे आपका माइनिंग सेशन जो है वो यहां पे एक्टिव है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो है आपको माइनिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा, ठीक है, कि यहाँ पे आपकी माइनिंग जो है वो एक्टिव है। यहाँ पे आप 6 घंटे, 12 घंटे और 24 घंटे के लिए अपनी माइनिंग को यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका जितना भी माइनिंग का रिवॉर्ड होता है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपकी टीम कितनी है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे KYC 1 को कंप्लीट करने के लिए आपने इन 3 लाइन्स पे क्लिक करना है, ठीक है। 3 लाइन्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपने 15 दिन की यहाँ पे अपनी स्टीक बनानी होती है, कि 15 दिन तक आपने लगातार यहाँ पे डेली अपनी माइनिंग करनी होती है, कोई भी दिन आपका यहाँ पे मिस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे KYC 1 वाले ऑप्शन पे आते हैं तो यहाँ पे मेरी KYC 1 जो है यहाँ पे मेरी वेरीफाइड है, यहाँ पे मैंने अपनी KYC 1 यहाँ पे कंप्लीट कर ली थी और यहाँ पे मैंने 100 डेज की अपनी स्टीक बनाई थी। लेकिन यहाँ पे कुछ दिन मिस करने के बाद यहाँ पे जो स्टीक है वो दोबारा से यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे अगेन मैं 15 दिन जो है कंटिन्यूसली माइनिंग करूंगा तो यहाँ पे जो है हमारी फेज़ 2 का जो यहाँ पे ऑप्शन है वो यहाँ पे हमको शो होगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे आपका फेज़ 1 यहाँ पे वेरीफाइड होगा तो यहाँ पे आपको ग्रीन टिक देखने को मिल जाएगा, फेज़ 1 वेरीफाइड। तो सबसे पहले आपने फेज़ 1 को यहाँ पे कंप्लीट करना है, 15 दिन तक डेली आपने यहाँ पे माइनिंग करनी है। फेज़ 1 के अंदर ये होगा कि यहाँ पे आपने जस्ट अपना नेम सबमिट करना होगा, उसके बाद जल्दी यहाँ पे इनका फेज़ 2 स्टार्ट होगा। अगर फेज़ 1 आपका कंप्लीट नहीं होगा तब आप फेज़ 2 के लिए अपनी KYC नहीं करवा सकेंगे। फेज़ 2 के अंदर आपने अपने वॉलेट का एड्रेस जो है वो सबमिट करना होगा और हो सकता है कि अपना ट्विटर का अकाउंट और टेलीग्राम का अकाउंट जो है वो भी आपको लिंक करना पड़े। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो है सीलिया की माइनिंग ऐप पे KYC 2 स्टार्ट होने वाली है। KYC 1 इसके पहले आप कंप्लीट कर दें और इसका विड्रॉ जो है वो आपको सितंबर के अंदर इसका विड्रॉ जो है वो मिल जाएगा और लिस्टिंग जो है इनकी अपनी एक्सचेंज पे होगी। सीलिया एक अपनी एक्सचेंज है, सीलिया एक एक्सचेंज का टोकन है। तो ये कंप्लीट डिटेल थी KYC 2 के बारे में, सीलिया माइनिंग के विड्रॉ के बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।